Now we are going to see practical of fourth lesson, that is presentation software question set. Presentation software means your PowerPoint. How to start the presentation? Click on the start button. Microsoft Office. PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint 2007. Okay, now this is from log maximize program. Now, first of all, आपको introduction में मैंने बताया था कि पहले PowerPoint का use किस लिए होता है? What is the use of PowerPoint? PowerPoint का यूज किस लिए होता है? जल्दी से बताओ. चलो खुश. बेवरेज PowerPoint का यूज किस लिए होता है? हम लोगों को जब भी कुछ भी प्रेजेंटेशन बनानी हो, किसी भी चीज को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना हो, तो हम लोग मोस्टली पावरपॉइंट का यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल हमको हमारे स्कूल की इंफॉर्मेशन है वो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बाकी लोगों को दिखानी है. हमारे स्कूल या कैसी है, कितनी फैसिलिटीज है, क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं, कौन से स्पेशल फीचर्स है स्कूल के. सो ये सारी चीज़ें हम लोग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में बना सकते हैं. आपको एग्जांपल दे रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड इन टेम्पलेट. तो हम लोग सबसे पहले जो टेम्पलेट में टेम्पलेट देखने वाले हैं पावरपॉइंट में, यहाँ पे आपको जो दिया है इसके और ये यूजर इंटरफेस में बहुत फर्क है. देखो आपके बुक में जो दिया है वो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2013 है. आपने नोट किया माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2013 और हम लोग ने कौन सा ओपन किया है? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007. सो ये अपडेटेड वर्जन है आपके जो बुक में दिया है वो, और ये थोड़ा सा पुराना वाला वर्जन 2007. सो अभी इसमें सिर्फ यूजर इंटरफेस चेंज है, सारे फीचर्स को ये पर यूजर इंटरफेस चेंज
यहाँ पर ऑप्शन जब देखिए नंबर सेवन टू क्लिक ऑन द टेम्पलेट क्लिक कर देंगे ड्रॉप डाउन टेबल कैटेगरी ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आपको सबसे पहले टेम्पलेट ऐड करना है। तो किस तरीके से ऐड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस बटन न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल टेम्पलेट क्या देखना है हमको, इंस्टॉल से टेम्पलेट अवेलेबल है इसके ऊपर क्लिक किया ये सारे ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने जो टेम्पलेट डालना है वो टेम्पलेट सिलेक्ट किया और फिर इसके बाद क्रिएट चेक कर सकते हैं। ओके आ गया। सो इस तरीके से जो स्लाइड्स है इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये जो सारे आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग स्लाइड्स कहते हैं। जैसे आपके बुक के पेजेस होते हैं ना, कवर पेज फिर इंडेक्स फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का पेज सेकेंड पेज थर्ड पेज, उसी तरह से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपके स्लाइड्स होते हैं। इस स्लाइड्स के ऊपर आप लोग इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो एनिमेशन और क्या टेक्स्ट फोटोज, ये सारी चीज़ें आप लोग इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अभी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है हमको, तो हमने सबसे पहले क्या किया यहाँ पर एक टेम्पलेट ऐड कर दिया। तो टेम्पलेट ऐड करने के लिए काम कर रहे थे ऑफिस बटन न्यू इसके बाद में टेम्पलेट और फिर वहाँ पर एक टेम्पलेट ऐड किया। अभी यहाँ पर एक कंटेम्पररी फोटो एल्बम का टेम्पलेट है। अभी जो भी यहाँ पर फोटो डला है उसके लिए आप लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर उसका टाइटल भी दे सकते हो, या फिर आपको फोटो चेंज करना है तो आप लोग इसके अलावा भी दूसरा फोटो सिलेक्ट कर सकते हो इसकी जगह पर। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड है, तो यहाँ पर भी आप लोग जो फोटो है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हो। तो ऐसे ये जो टेम्पलेट जो दिया है वो पूरी तरह से इनबिल्ट है, यानी कि ऑलरेडी टेम्पलेट्स का क्या कैसी चीज़ें होती है टेम्पलेट्स। फॉर एग्जांपल टेम्पलेट्स का सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आप लोग थोड़े जूनियर क्लासेस में रहेंगे तब नर्सरी टू फर्स्ट या फिर जूनियर सीनियर के बीच में आपको एक ड्राइंग की बुक होती थी। ड्राइंग में आपको ड्राइंग ऑलरेडी वहाँ पर ड्रा रहता था, आपको क्या करना पड़ता था सिर्फ कलर फिल करना पड़ता है ना। अभी आप लोग बड़े हो गए फिर आपको क्या करना पड़ता है, ड्रॉइंग करना पड़ता है, कलर भी फिल करना पड़ता है। सो जिस तरीके से आपको पहले जो था ड्राइंग का वो आपको ब्लैंक पिक्चर मिलता था और उसमें आपको कलर फिल करना था, उसी तरह से यहाँ पर भी सेम है। आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन मिलता है और उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन ऐड करना है। ओके ओके समझ में आ गया, क्लोज करो, समझ में आ गया। आपको प्रेजेंटेशन ब्लैंक मिलती है और फिर आप लोग यहाँ पर फोटो ऐड कर सकते हो। फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक फोटो एल्बम है, ओके फोटो एल्बम है, आपको एक फोटो एल्बम के ऊपर एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया, आपके घर पे कोई फंक्शन हो गया, बर्थडे प्रोग्राम हो गया, फिर बर्थडे के लिए सबसे पहला केक काट के लोग यहाँ फोटो लगाओगे आप लोग, फिर यहाँ पर टाइटल उसके बारे में इंफॉर्मेशन डालोगे, कटिंग के नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट जो आएगा फिर आपको किसी को फिट कर रहे हैं वो फिर वो फोटो यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट फोटो आएगा,
आपके मम्मी पापा बैलेंस के साथ जो कुछ निकाला है ध्यान ध्यान फिर उसके रिलेटेड कुछ आपके कमेंट्स रहते हैं वो नेक्स्ट ऐसे ऐसे करते करते आप लोग जितने भी फोटोज निकाले उस पर भी शेयर कर सकते हैं कोई भी सेरेमनी वेडिंग सेरेमनी एंगेजमेंट बर्थडे इस तरीके से आप लोग पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं समझ में आया क्या समझ में आया क्या yes. और ये बनाते वक्त ये जो डिजाइन मिले आपको इसको हम लोग थीम बोलते हैं वो रेडीमेड थीम हमको मिलती है हमको सिर्फ क्या करना है वो थीम को लेकर उसको यूज करना है और उसमें जो कुछ है वो ऐड करते जाना है ओके आपको पता चला क्या क्या लिखा हमने अभी हम लोग ने सबसे पहले प्रेजेंटेशन में तीन किस तरीके से ऐड करते हैं वो देखा ओके सॉरी टेंपलेट देखा है ना थीम अभी तक में देखा है टेंपलेट देखा है थीम अलग है टेंपलेट अलग है ओके तो टेंपलेट किस तरीके से ऐड करते हैं वो देखा है उसके बाद में ये जो हमने क्रिएट किए इसके थीम को हमको सेव करना है उसमें थोड़े कुछ चेंजेस कर दिए आते हैं इसको ड्रैग करके इसको इसकी सिग्नेचर दी है इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव मैं इसको यूज कर इसको मूव कर दिया है ये जो जब भी हम लोग पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं ये ग्रीन एरर जो होता है ग्रीन सर्कल छोटा सा डॉट उसके ऊपर आप लोग एरो आपका माउस एरो लेकर आओगे तो आपका पिक्चर मूव कर सकते हैं आप लोग रोटेट कर सकते हैं सॉरी और मूव करने के लिए डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ भी आपको मूव करना है आप लोग मूव कर सकते हैं इसकी साइज बढ़ानी है तो यहाँ पर जो स्क्वायर और सर्कल डॉट दिख रहे हैं आपको उसका यूज करके आप लोग उसकी साइज बढ़ा सकते हैं सेव करते हैं तो डिजाइन करते हैं आप ये जो सारे थीम्स है डिजाइन करते हैं आपके सारे थीम्स दिए गए जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा उसके हमारा वो टेम्पलेट वही रहेगा उसके कलर चेंजेस होंगे से दिख रहा है आपको पीछे देखो ग्राफिक में काफी आ गया है अगर हम कोई थीम को सेव करना है यहाँ पर सेव एज करंट थीम ऑप्शन है उसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे थीम को जो भी नाम देना है वो नाम दे दो यहाँ पर और सेव बटन के ऊपर क्लिक करोगे टेम्पलेट वन GSS आपको जब भी चाहे तब आप लोग ये प्रेजेंटेशन को ओपन करके ये टीम को यूज कर सकते हैं सॉरी ये प्रेजेंटेशन के अंदर उस टीम को अप्लाई कर सकते हो ओके तो आप एनहेंसिंग द लुक ऑफ प्रेजेंटेशन
उनका करके आप इससे एक बार ब्लाइंड स्लाइड है, ब्लाइंड डेफिनेशन की तरह इस तरीके से पहले ब्लाइंड डेफिनेशन होता है। उसके अंदर हमको क्या करना है, एनहांसिंग द लुक ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का लुक कैसे देखना है हमको। सो यूज अ कलर एज अ स्लाइड बैकग्राउंड, हमको स्लाइड के बैकग्राउंड में कलर सेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और जो भी स्लाइड के ऊपर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करो और डिजाइन टाइप में जाना। फिर बाद में कस्टमाइज करो, शेप स्टाइल, शेप फिल, और आपको जो भी कलर चूज करना है वो कलर आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपको दिख रहा है जैसे जैसे मैं आरो मूव कर रहा हूँ वहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, वो भी बॉक्स हमने सिलेक्ट किया उसके लिए। इसको ये जो बॉक्स हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं इसको। इसमें आप लोग जब भी फिट करोगे तब आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया डिस्क्रिप्शन, क्लिक टू ऐड टाइटल, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करके टाइटल ऐड करना है। क्लिक टू ऐड सब टाइटल, यहाँ पर सब टाइटल ऐड करना है, ठीक है। सो कलर कैसे चेंज करते हैं बैकग्राउंड आपने देखा, देखा क्या समझ में आया कलर कैसे चेंज करते हो। अभी इसके अलावा भी अभी ये जो सारे कलर दिए हैं इन कलर में से भी आपको कलर पसंद नहीं है, कुछ कुछ होता है ना बहुत सिलेक्टिव होते हैं स्पेशली गर्ल्स और कुछ कुछ बॉयज में नहीं। ये नहीं, जैसे ही वो शॉपिंग करने के लिए जाएंगे या लेडीज जाएंगे जब भी शॉपिंग के लिए वो बहुत सारे चीज़ें इतने रिगार्ड करती है इतना करके उसके बाद में एक्ट्रेस या ये सारे कुछ करते हैं। सो उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर वर्क प्रेजेंटेशन के लिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पर जितने दिए है उसमें से आपको कोई भी पसंद नहीं आया है तो फिर आपको यहाँ पर फिर मोर फिल कलर में आना है। मोर फिल कलर में आकर आपको ये जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वो कलर दिखाई देगा। सो इस हेक्सागन में, हेक्सागन में क्लिक करके आपको वो कलर सारे दिखेंगे। सो इसमें से अगर कोई कलर देना है आपको सिलेक्ट करो और फिर ओके करो। ओके, सो कस्टमाइजिंग कलर बैकग्राउंड का जो ऑप्शन वो इसके अलावा भी अगर आपको कोई दूसरा कलर चूज करना है तो आप Thank you.
बैकग्राउंड को उसके लिए आपको डिजाइन टाइम पर जाना है, इसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड को मान सब होने के बाद आपका एक वॉल करना है और क्लोज कर देना है, आपके बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है। कहाँ पर आना है, डिजाइन का बैकग्राउंड साइज, ठीक है, यहाँ तक देखा होता है। इसके बाद स्पेसिफाई का अलाइनमेंट की और ये सारे चीज हम लोग टेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 77 ऑनवर्ड, और जो आपको नोट्स है आपको ऑनलाइन वेट वेट मेक राइट फर्स्ट एंड कीप डिस्टेंस।